हेलो मित्रों, कैसे हो? एकदम सही। चलो ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या टॉपिक है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट होते क्या है। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी डिसोसिएशन मीन्स क्या होता है? डिसोसिएशन मीन्स होता है टूट जाना या फिर अलग अलग हो जाना। क्या होता है डिसोसिएशन मीन्स? टूट जाना या फिर अलग अलग हो जाना। जैसे कि एग्जांपल में मैं बात करूं, कोई भी सब्सटेंस मैंने ले लिया, जैसे ए बी कोई कंपाउंड है, ठीक, ए बी कोई कंपाउंड है और ये टूट जाता है ए और बी में, और इन पर जैसे ही टूटते हैं ये चार्ज क्रिएट हो गए हमारे, ठीक है, ए प्लस और बी माइनस चार्ज क्रिएट हो गए। तो ये क्या हुआ? हमारा डिसोसिएशन हुआ। क्या हुआ? डिसोसिएशन हुआ। ये कंपाउंड डिसोसिएट किया, टूट गया, अलग अलग हो गया, यानी कि इस फॉर्म में हो गया हमारा। और इस पर क्या कर रहे हैं? चार्ज क्रिएट हो गया, यानी आयंस क्रिएट हो गए, एक पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, और इसके वजह से इसको आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जैसे सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेके समझे थे, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए हम ये डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी के लिए जानने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी मैं एसिड ले लिया, जैसे कि कौन सा एसिड ले लूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं। मान लेता हूं कि कोई ये एसिड हो गया हमारा, एच ए कोई एसिड है, और ये डिसोसिएट करेगा, डिसोसिएट करेगा तो क्या बनाएगा? एच प्लस और ए माइनस बनाएगा। ये तो सिंपल सा बात है, ये तो सभी जानते हैं। कोई भी एसिड होगा वो एच प्लस आयंस देगा, डिसोसिएट करेगा। तो वही मैं बात करूं, कोई भी मान लो बेस, कोई भी मान लेते हैं एम ओ एच हमारा बेस हो गया, ये डिसोसिएट करेगा ओ एच माइनस प्लस एम प्लस में होगा। तो कोई भी सब्सटेंस है, हम तो यहाँ जान रहे हैं ना, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी सब्सटेंस है अगर वो डिसोसिएट करके एच प्लस आयंस दे रहा है तो वो एसिड कहा जाएगा, और ओ एच माइनस आयंस दे रहा है तो क्या कहा जाएगा? बेस, बेस बोला जाएगा। ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्यों पढ़ना है? तो पढ़ना है पीएस जानने के लिए और सबस्टांस की एसिडी करेक्टर जानने के लिए हमें पढ़ना है। ठीक, और ये जो होता है वीक एसिड और वीक बेस पर एप्लीकेबल होता है। कौन? डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर कहें तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट वीक एसिड और वीक बेस पर एप्लीकेबल होता है। क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग पर एप्लीकेबल होता है, ये हम तुरंत पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए मैंने कोई भी एसिड ले लिया, जैसे देखिए ये वीक एसिड पर हमने बोला क्या, वीक एसिड या वीक बेस पर एप्लीकेबल होता है। जैसे कि वीक एसिड का कोई नाम जानते होंगे आप? जानते होंगे, अच्छी बात है, जान लीजिए। जैसे वीक एसिड में एच सी डब्लू ओ एस ले लेते हैं, या CH3COOH ले लेते हैं, या फिर HCN होता है हमारा वीक एसिड, HF होता है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अब लिखने की क्या जरूरत है। चलिए, तो ये हमारे सब क्या हो गए? वीक एसिड्स हो गए। वहीं स्ट्रॉन्ग एसिड तो आप लोग जानते होंगे, जैसे कि HCl हो जाता है या H2SO4 हो जाता है। ठीक, इस टाइप के। अब हमें समझाने के लिए मैं अभी एग्जाम्पल का नहीं यूज करूंगा, सिंपल वे में यूज करूंगा जिस तरह से आप समझ पाए। ठीक, मैंने मान लिया कि हमारा ये स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने पहले ले लिया। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया मैंने। ठीक है, क्या ले लिया मैंने? स्ट्रॉन्ग एसिड। मान लिया कि ये कोई कंपाउंड है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये डिसोसिएट करता है कैसे? एच प्लस और ए माइनस फॉर्म में डिसोसिएट करेगा। ठीक है, अब ये जैसे कि हम मान लेते हैं कि वन मोल है, ठीक, वन एम लिख देते हैं, ठीक है, एम वन मोल है इसका, क्या है? वन मोल है। तो ये वन मोल अभी रिएक्शन हमारा हुआ नहीं है, यानी कि ये जीरो है, इनका कंसेंट्रेशन जीरो है हमारे
मान लिए कि हमारा रिएक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ अभी हम यहीं लिए हैं, इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, जीरो होगा, यानी टूटे ही नहीं होंगे उस समय, इसको इनिशियल स्टेज बोलेंगे। इनिशियल में जो है हम क्या लेंगे, वन मोल ले लिए ये, ठीक है। जैसे ही हम एक्वस सोल्यूशन में इनको डालें, ये एसिड को जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको एक्वस सोल्यूशन में डाले, ये हमारा क्या हुआ, डिसोसिएट कर जाएंगे, डिसोसिएट कर जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जीरो हो जाएगा अब, और ये वन एम और वन एम हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये क्या हुआ, कंप्लीट डिसोसिएट किए, यानी कि ये पूरी तरह से टूट गए, ठीक। ये क्या किए, पूरी तरह से टूट गए। क्यों टूट गए, यहाँ पर कोई इनका मतलब कंसंट्रेशन बचा ही नहीं, जीरो हो गया, इनका कंसंट्रेशन बन गया रिएक्शन करने के बाद, जैसे ही हम एक वाइल डालें। वहीं अगर बात करूं वीक की, वीक एसिड की मैं बात करूं, ठीक है, वीक एसिड की अगर बात करूं, इसी सबस्टांस को मैं मान लेता हूं कि वीक एसिड हमारा है, ठीक। इसी सबस्टांस को मैं मान लिया कि वीक एसिड है, तो मालूम है कैसा रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा रिवर्सिबल। ये क्या है, वन डायरेक्शनल है, ये क्या है, रिवर्सिबल हमारा होगा, ठीक। क्यों होगा, क्यों होगा, तो जानते हैं। देखिए मैंने इनका वन मोल ले लिया, ठीक है, इनका कंसंट्रेशन इनिशियल में, जब हमारा क्या है, जब हमारा रिएक्शन हुआ ही नहीं है, डिसोसिएट किया ही नहीं गया है, तब की मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ये इनिशियल कंडीशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि एक मोल मैंने लिया था, अभी डिसोसिएट नहीं किया, जैसे मैं एक्वस डाल रहा हूँ, ठीक है, एक्वस डाला तो ये डिसोसिएट करेंगे, लेकिन लेकिन ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करेंगे, यानी कि 0.5 किए, यहाँ पर क्या किए थे, पूरी तरह से डिसोसिएट कर गए थे, यानी पूरी तरह से टूट गए थे, और ये जो है पूरी तरह से नहीं टूटे, 0.5 ही टूटे ये, और बाकी जो है इनमें चले गए, ठीक है। 0.5 को छोड़कर जो डिसोसिएट करेंगे ये है वो, ठीक है, तो इनमें बच जाती है, जिसके वजह से ये रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल हो जाता है, इक्विबिलियम इसको बोलेंगे, ठीक है, इक्विबिलियम बोलेंगे। अब समझते हैं, ये समझ गए हम, इसी तरह से हमारा बेस में भी होगा, इसी तरह से बेस में भी होगा, स्ट्रॉन्ग बेस में ये केस हो जाएंगे और वीक बेस में ये केस हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि ये 0.5 भी हो, 0.2 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो कौन सा एसिड है उस पर डिपेंड करता है, ठीक। तो यहाँ हम अभी तक से डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की मैंने बात नहीं की, ये तो डिसोसिएट किया हुआ है, यानी ये टूट के ऐसे बने हुए हैं, ठीक। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट को के से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, के तो हम वहां, यहां क्या बात करें, एसिड की बात कर रहे हैं, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू, ये जो बनते हैं हमें, मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो होगा हम इनिशियल वाला नहीं लेने वाले, ये जो हमारा इनिशियल केस है इसमें नहीं लेने वाले। कब लेंगे ये केस, जब हमारा कंप्लीट जो रिएक्शन हो गया है तब का लेंगे, जैसे यहाँ हो गया है, ये हो गया है, हमारा रिएक्शन हो गया है तब का लेंगे, ठीक है। तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लेते हैं, समझिए इस चीज को, ये जो है यहाँ लिखेंगे, ठीक है, जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और किससे डिवाइड कर देंगे, ये जो हमारा कंसंट्रेशन बचा है रिएक्शन करने के बाद, डिसोसिएट करने के बाद। तो यहाँ पर अगर बात करूँ मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो डिसोसिएट करने के बाद क्या बचा है, इसका कंसंट्रेशन जीरो बचा है, क्या बचा है, कंसंट्रेशन जीरो बचा है। तो अगर हम यहाँ जीरो पुट कर देते हैं, तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, समझ रहे हैं। और इनफाइनाइट किसका मैं बात कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड का बात कर रहा हूं। ये किसका केस है जिसमें जीरो आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड का केस है। यहां समझिए, मैं यहां पर कर दे रहा हूं, ठीक है, ये जो है हमारा केस,
ये केस जो है हमारा, ये किसका है, अस्ट्रॉन्ग एसिड का केस में हुआ है जहां पर कंप्लीट डिसोसिएट किया गया है। ये वीक एसिड का हमारा केस है, ये क्या है, वीक एसिड का केस है जहां पर ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं किया है, कुछ ही पार्ट को किया है ये डिसोसिएट। तो वहीं अगर मैं इनफाइनाइट, ये क्या हो गया हमारा, इनफाइनाइट हो गया, तो इसी वजह से इसको कैलकुलेशन जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट में यूज नहीं किया जाता है इसको, ठीक है, इनफाइनाइट की वजह से इनको डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में होता है और हाईएस्ट होता है, ऐसे लिख दिया जाता है क्योंकि इनका इनफाइनाइट होता है। हम कहाँ कैलकुलेट करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वीक एसिड या वीक बेस के केस में, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू, इसके केस में क्या होगा, एकदम एग्जैक्टली क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि सभी का स्ट्रॉन्ग में जो स्ट्रॉन्ग रहेंगे उनका टोटल कंप्लीट डिसोसिएट होगा और जीरो ही वैल्यू आएगा। लेकिन वैरी कहाँ करेगा, तो वीक एसिड में वैरी करेगा, 0.5 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट एसिडिटी का, समझ गया। तो इसी वजह से डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड या फिर बेस की मैं बात करूं तो बेस में हो जाएंगे, ठीक, बेस में यूज किए जाते हैं। तो यहां तक एसिड मैंने बात कर रहा हूं, ठीक। तो यहां पर देखिए हम बात करेंगे कि जैसे इनका वैल्यू, अब ये जो जीरो हम पुट किए थे यहां पर क्या पुट करेंगे, जितना बचा है हमारा डिसोसिएट करने के बाद जितना बचा है हमारा यहाँ डिवाइड में पुट करेंगे, यानी 0.5 m, और ऊपर का जो वैल्यू यहाँ पर आएगा हमारा जो भी टूट कर आएगा यहाँ जो बच गया यानी कि डिसोसिएट करने के बाद जो इधर गया है वो यहाँ पर वैल्यू लिखा जाएगा। H प्लस का कितना वैल्यू होगा, जैसे इसमें है हमारा H प्लस का 1 है, O का 1 है, तो यहाँ पर हम पुट कर देते, उसी तरह से यहाँ पर भी कोई वैल्यू आएगा, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू है। मान लीजिए कि हम बात करें दो वैल्यू यानी कि 2 moles इसका बने और 1 mole इसका बनेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पुट कर देंगे, और के का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अब समझिए, बातों को समझिएगा, यहां पर जो चीज जितना ज्यादा डिसोसिएट करेगा, जो चीज जितना ज्यादा डिसोसिएट करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, समझिए बातों को, मैं समझा रहा हूं जो समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हमने जैसे कि यहाँ पर एच ए लिया था तो हम यहाँ एच ए लिख दे रहे हैं, ठीक, ये जो ओरिजिनल था एच ए था और ये जो डिसोसिएट किया गया है ये है, ठीक। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो समझिएगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, यानी कि डिसोसिएशन जैसे इंक्रीज करता है जितना ज़्यादा डिसोसिएट होता है एसिडिक करेक्टर उतनी ज़्यादा होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन है यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोसिएशन क्या है बहुत ज़्यादा है, डिसोसिएशन क्या है कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना ज़्यादा डिसोसिएट करेगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, कम है यानी कि ये कम डिसोसिएट किया गया है, इसी वजह से तो ये वीक है, ये वीक है, जो एसिड है हमारा क्या है वीक है, यहाँ पर पूरी तरह से डिसोसिएट हुआ ही नहीं है, समझ गए, बातों को समझिए, जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतनी ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगी किसी भी चीज की, यानी जो जितना पार्ट अपना, देखिए मैं समझाना चाह रहा हूँ जो समझिए, ये मान लीजिए 100 molecules मैंने वीक एसिड का ले लिया, वीक एसिड का ले लिया मैंने कोई, ठीक है, लेकिन हम जानते नहीं है कि, छोड़िए हटाइए, किसी भी सब्सटेंस की मैंने बात करा, चलिए एच ए की मैं बात करूँ, तो ये एचेस जो हो गया मैंने 100 ले लिया है, इसका मान लीजिए कि 100 molecules हो गए, अब डिसोसिएट करने के बाद इसके पास 20 बच गए, ठीक है, इसके पास 20 बच गए, 20 molecules बच गए डिसोसिएट करने के बाद, यानी कि इधर जो बनेगा हमारा H प्लस और A माइनस ये क्या होंगे 80 पार्ट इसमें चले गए, 80 पार्ट इसमें चले गए, लेकिन 20 जो है डिसोसिएट नहीं कर पाए, इसी के वजह से क्या होगा फिर से ये मिल सकते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समझ रहे हैं हम, मेरी बातों को समझिए, यहाँ पर 20 हो गया, अगर यही कंप्लीट डिसोसिएट कर गया होता यहाँ पर 0 बचता तो हम यहाँ 0 पुट करते, एच ए का वैल्यू 0 पुट करते और ये क्या हो जाता इनफाइनाइट हो जाता। अब हम यहाँ पुट कर रहे हैं, देखिए ये समझिएगा ध्यान से समझिए इस चीज़ को, माना कि ये 80 था, ठीक,
ये 80 यहाँ डिसोसिएट किया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 20, क्या हो गया एसिडिटी, जो एसिडिक करेक्टर होगी 40 है इस केस में, हमारे वीक एसिड के, नहीं समझ में आ रहा, चलिए फिर से साफ मैं करके समझाता हूँ। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि हमारा ये है एच ए, इसका हम दो केस बनाते हैं, ठीक, हम दो केस बनाए, इसका 100 मोलेकुल्स ले लिए, ठीक है, 100 मोलेकुल्स हमने लिया, ठीक। पहला केस में क्या हो गया, 100 मोलेकुल्स इसका मैंने लिया, ये क्या हो गया कंप्लीट डिसोसिएट कर गया, और इधर जो होगा डिसोसिएट किया, यानी कि यहाँ पर पहले जीरो था, इनिशियल स्टेज में क्या था, ये इनिशियल हो गया हमारा, ठीक, ये जीरो था हमारा, जीरो था, ठीक। अब मैंने क्या किया, जैसे ही इस पर एक्वस डाला, ये कंप्लीट डिसोसिएट हो गया, यानी कि यहाँ का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, और इधर का वैल्यू हमारा 100 हो गया, ठीक है, इधर का वैल्यू 100 हो गया। तो मैंने क्या लिखा था वहां पर कि देखिए, हम नॉर्मली सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन दूसरा होगा, कैलकुलेशन जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट करके निकालना है, ठीक है, जो भी वैल्यू दिया रहेगा, इन दोनों का अलग अलग वैल्यू होगा, लेकिन हम कंबाइन करके हम बता रहे हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। यही हमारा के है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, एच ए का वैल्यू 100 आ गया, ठीक है, 100 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक, और एच ए कितना बचा है हमारा, जीरो बचा है, मैंने जीरो लिख दिया, क्या हो गया इनफाइनाइट, हो गया इनफाइनाइट, चलिए ठीक है। अब मैं इसी चीज को, अगर इनफाइनाइट है यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ये। अब बात करूंगा वीक एसिड की, खुद आप बता सकते हैं कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, चलिए उनके डिसोसिएशन के बेसिस पर, ठीक है। अब मैंने माना कि ये जो 100 था रिएक्शन करने, डिसोसिएट करने के बाद यहाँ पर इनके पास मान लेते हैं कि 20 मॉलिक्यूल्स बच गए, यहाँ पर ये जो है, यहाँ से यहाँ मैं आ रहा हूँ, रिएक्शन करने डिसोसिएशन करने के बाद इनके पास 20 मॉलिक्यूल्स बच गए, तो इधर कितने गए हैं, कितने डिसोसिएट हुए हैं, 80 हुए हैं। अब मैं इनके जगह पर क्या करूँगा, 80 पुट कर देता हूँ, के ए का वैल्यू मैं 80 पुट कर देता हूँ, ठीक है, के ए का वैल्यू मैं 80 पुट कर दिया, और कितना बचा है हमारा एच ए, जो ये एच ए है, कितना बचा है, 20 बचा है, तो मैं 20 लिख दिया, कितना हुआ 40 हुआ, ठीक। अगर वही चीज़ मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 40 बच गया है, 20 नहीं 40 बच गया, ठीक, 100 लिए थे हमारा डिसोसिएट करने के बाद, 40 बच गया है, तो इधर कितना गया, 60 गया। फिर से मैं के ए का देख रहा हूँ कि 60 बाई कितना आया, 60 बाई 40, ये कितना होगा, 0, ठीक, इतना आया, सॉरी यहाँ पर 40 नहीं आएगा, ध्यान नहीं दिया मैंने, 20 यहाँ पर आएगा 4, ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, देखो वो मैं जल्दी जल्दी में पता ना क्या सोच के 40 लिख दिया था, एक जीरो बढ़ा दिया था, ध्यान रखिएगा इस चीज को, चलिए ठीक है। ये क्या आया हमारा, 4 आया था जब हमारा डिसोसिएट ज्यादा किया था, डिसोसिएट जितना ज्यादा किया, देखिए यहाँ क्या है, 20 बचा है, यानी कि ज्यादा 80 पार्ट डिसोसिएट कर गया है, यहाँ पर क्या बचा है 40 बचा है, यानी कि 60 पार्ट सिर्फ डिसोसिएट कर गया है, यानी कि ये क्या हुआ है, कम डिसोसिएट किया है और ये ज्यादा डिसोसिएट किया है, उसी हिसाब से हम एसिडिक बता सकते हैं। ये देखिए के का वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, यानी कि ये जो होगी इससे क्या होगी, वीक होगी, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लिए, तो क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, इन व्हाट रिस्पेक्ट, एसिडिक करैक्टर, यानी कि जो ए की एसिडिक करैक्टर होगी बी से ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, 1.5 इसका है, इसका 4 है, समझ गए, चलिए क्लियर है। इसी तरह से हम ओएच का भी करेंगे, जैसे बेसिस का भी करेंगे, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है, हम सिर्फ अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, सिर्फ यही देख रहे हैं, एक ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए
एम ओ एच ले लिए हम, तो ये डिसोसिएट किए ओ एच माइनस प्लस एम प्लस में किए। अब कुछ नहीं करना है, जितना डिसोसिएट कर गए, मान लीजिए कि ये 100 लिए थे हम, ठीक है, इनिशियल स्टेज में हमारा 0 0 कोई रिएक्शन हमारा नहीं हुआ है, यहाँ पर मैंने क्या किया डिसोसिएट करने के बाद, मान लीजिए 20 बचा है, 20 बचा है तो इधर के पार्ट कितने हो गए, 80 हो गए हमारे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी ए निकालेंगे, सी बी के बी, ठीक है, के नहीं अब होगा के बी होगा, क्यों, बेस काम ले रहे हैं, ठीक है, के बी होगा, यानी कि हम पुट यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ओ एच हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या है ओ एच माइनस ये हो गया हमारा एम प्लस डिवाइडेड बाई ये एम ओ एच, एम ओ एच वैल्यू पुट कीजिए, इतना पार्ट का कितना हमारा वैल्यू आया है 80। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये ऐसे डायरेक्टली 80 लिख दिया हूँ, ठीक है, मैं समझाने के लिए 80 लिख दिया हूँ, वो जो हमारी वैल्यू होगी वो आप पुट कीजिएगा, ठीक। तो 80 मैंने ले लिया, 80 पार्ट ये हो गए, तो ये कितने हैं 20, ये जो हमारा एम ओ एच कितना बचा है 20 बचा है, 100 नहीं लेना है, ये इनिशियल है हमारा, डिसोसिएशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, डिसोसिएट यहाँ किया गया था, यानी कि कितना हुआ 4 हो गया, ठीक है 4। तो यहाँ पर जो बेसिक करेक्टर होगी 4 होगी। वहीं अगर बात करें कि इसने 20 नहीं 30 होता तो ये क्या होता हमारा 70 होता, ये जो पार्ट था हमारा 70 होता और ये 30 है, तो यहाँ पर हम फिर से पुट कर देंगे 70/30 2 पॉइंट कितना आएगा 3, ठीक है इतना आएगा। तो बताइएगा कौन सा ज्यादा है, देखिए ये कम डिसोसिएट है, इसके ज्यादा पार्ट बच गए हैं, यानी कि कम डिसोसिएट किया है, तो बेसिक क्या है, बेसिक करेक्टर क्या है कम है, इससे मिलाइए, इसका 4 है इसका 2.2 है, ये देखिए ज्यादा डिसोसिएट किया है, 10 पार्ट इससे ज्यादा डिसोसिएट किया है, तो जो जितना ज्यादा डिसोसिएट करेगा ना उसकी उतनी ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगी, उतनी ज्यादा बेसिक करेक्टर होगी, दैट्स ऑल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।